आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार का गठन हो चुका है। इसके बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे नेतृत्व में सरकार बनाने वाली शिवसेना ने दवाइयों की कीमतें बढ़ाने को लेकर हमला बोला है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। पार्टी दवाइयों के दाम में 50% तक की वृद्धि के फैसले पर कहा है कि इस कदम से आम इंसान का जीना महंगा और मरना सस्ता हो गया है। कुछ दिनों पहले दवाइयों की कीमत 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसमें कई जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल है। शिवसेना ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि देश में पहले से ही अनाज, सब्जियां, दूध, फल आदि के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में अब 509 दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी गई है। इनमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के काम आने वाली दवाइयां भी शामिल है। बीसीजीटी का क्लोराक्वाइन, डेटसोन, विटामिन सी, मेट्रोनिस्जोल जैसी लगभग 21 दवाइयों की कीमतें सीधी 50% बढ़ा दी गई है।